चाचा हमें लौटने दीजिए, हम देखेंगे। अभी हम चलते हैं, पहुंचने में एक घंटा लग जाएगा। खुश रहो। यहाँ से कैसे जा रहे हो? अंधेरी से लोकल पकड़ लेंगे। अरे नहीं भाई, तुम्हें छोड़ने हमारी सिक्योरिटी वैन जाएगी। अरे पार्कर, भतीजों को वैन से छोड़वाओ। सर भगवान शंकर की कृपा से और भगवती मैया के सपोर्ट से काम हो गया। और ये मुंबई में ही हो सकता है। यहाँ पे टिकट बारी किधर है? बार बार तुझे लाके दिखाता। शताब्दी कितने बजे जाएगी? शताब्दी शताब्दी तो भाई क्या पोजीशन है? बोर्ड में लिखा पढ़ लो वहाँ पर। अरे उधर बोर्ड समझ में नहीं आ रहा। अरे दो घंटे लेट है वो। क्या क्या कह रहे हो? एक बजे की। क्या कह रहे हो आप? आपने क्या सुना? क्या दो घंटा लेट है? हाँ तो वही बता रहा हूँ मैं, जाके देखो। तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? स्टेशन मास्टर जी नमस्कार, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी गाड़ियों का जो टाइम टेबल है उसका कुछ मतलब है कि नहीं? अरे जिस गाड़ी के बारे में पूछो कहते दो घंटा लेट है। अब किसी को शादी में जाना है, किसी की माँ बीमार है, इतनी सारी परेशानियां और रेलवे। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसमें हम कर क्या सकते हैं? हम कर क्या सकते हैं? अरे ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? अरे आप तो एक जिम्मेदार कुर्सी बैठे हुए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपकी नाराजगी और शिकायत जायज है। आप ये शिकायत रेलवे प्रशासन को लिखित में भेजिए। आप जैसे लोग आवाज उठाएंगे तो बात जरूर बनेगी। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? कौन सी ट्रेन है आप? अरे जाना तो बीजापुर है कामायनी एक्सप्रेस से। अरे आपकी ट्रेन तो राइट टाइम पे निकली है फौरन। अरे अभी अभी पूछताछ कार्यालय में कहा दो घंटा लेट है। अरे जाओ ना भाई, तुम्हारी ट्रेन जा रही है ना। अरे तो कमाल सिस्टम है यार। ये पैसा हमको इनाम में मिला है, हमने अपनी जान पर खेलकर एक दुकान को लूटने से बचाया है। ये देखिए, ये हमारा कार्ड है और ये देखिए ये न्यूज़ अखबार में छपी थी। अब हम जाएं, ये गाड़ी छूट रही है, हम फंस जाएंगे भाई। अरे कहाँ यार, सब लोग परेशान करने के लिए मिलते हैं। मन पसंद बिरयानी है, ले खा ले खा ले। अकरम अकरम, अरे दे दो भाई, ले ना। अरे खा ले, ले। काकी, की उम्र खेत तुम्हारी, सुबह देख रहा हूँ लपके पड़े हो साला, हर जगह एक त्रिलोचन बैठा हुआ है। दीमक कीड़े मकोड़े साले, गंदी नाली, कहीं मरे कहीं भूत हो साले, इसको क्यों भाई नहीं छोड़ते? तुम सो जाओ सो जाओ, हम जगते हैं। हाँ हाँ बेटा सो जाओ।
कोई बात नहीं, तुम इधर आ जाओ। इनाम के साथ में दोस्तों ने मदद की और हम आपसे कह रहे हैं कि अभी तक हमने जितना कहा है एकदम सच कहा है, उसमें बिल्कुल झूठ नहीं कहा है। और वो तो गुंडों से उलझने के चक्कर में पता नहीं पर्स कहाँ गिर गया हमारा, वरना हम आपको पहचान पत्र दिखा देते और उसमें एक हमारी कटिंग भी थी वो भी दिखा देते कि पैसा आया कहाँ से। बस बस बस, अब इधर उधर की बातें मत कर, सीधी तरह ये बता कि ये पैसे तेरे पास आए कहाँ से। लूटा, किसका मर्डर किया, सीधी तरह बता, नहीं तो एक मिनट में उगलेगा। एक मिनट में क्या उगलेगा, आप समझ के उन्हें जो हम आपसे कह रहे हैं कि आप तिवारी जी से फोन बात करिए। अब तिवारी जी की बात मत कर और ये फोन वोन की बात मत कर, साले चलान करके दो मिनट में अंदर कर दूंगा। एक मिनट सिंह साहब, ये भी तो हो सकता है कि ये सही कह रहा हो। देख, तेरे पास इस प्रॉब्लम से बचने का एक ही उपाय है, ये पैसे सरकारी खजाने में जमा हो जाएंगे और फिर सिंह साहब तुम्हें एक लेटर देंगे, उस लेटर को लेके जब तू कोर्ट में जाएगा तब ये माल मिलेगा बाबू। आपसे समझना चाहते हैं कि आप हमसे चाहते क्या है, आप पहले हमें समझाइए, हम समझेंगे। एक मिनट तुम्हारी ऐसी की तैसी, बाहर आकर खुले में बात करो। अगर हम साबित नहीं कर सकते ये ईमानदारी का पैसा है तो तुम साबित करके दिखाओ बेईमानी का पैसा है। अगर अगर तुम कानून के रक्षक हो तो हम भी देश के नागरिक हैं, हम भी अपने अधिकार जानते हैं। अरे बताओ क्या प्रॉब्लम, बताओ, हम पत्रकार हैं, छुपा दे। भैया हम मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड, कुछ पैसा हमको इनाम में मिला, कुछ पैसा हमको हमारे इष्ट मित्रों ने दिया और गुंडे लोग हमारा पैसा छीन रहे थे। हम पैसा बचाते हमारी दशा हो गई, हम इनको कब से अंदर समझा रहे हैं तो नहीं, ये लोग हमें तीन पांच समझा रहे हैं, कह रहे यहाँ जाओ, कोर्ट में जाओ, वहाँ जाओ, ट्रेन छुटवा दी इन लोगों ने हमारी। कौन आदमी की तरफ ये लोग सामने कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि हमको पैसा इनाम मिला, हमारे दोस्तों ने दिया, आप हमें अंदर करने की बात कर रहे हो, करवाने की बात कर रहे हो। तुम तो खामखा भड़क गए, हम तो बस पूछ ही रहे थे। अरे पूछ भी क्या रहे थे, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। पैसे तुम्हारे हैं तो तुम्हारे ही रहेंगे। अच्छा भाई, तो हम हो गए गलतफहमी का शिकार, अब तो आप हमारे भिजवाने का बंदोबस्त कीजिए, ट्रेन तो हमारी निकली गई, छूटी गई। करते हैं। दादाजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। दादाजी हम लल्लन। लल्लन? लल्लन कौन बेटा? वो प्रजापति पोस्ट ऑफिस के बगल वाला मकान। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम श्यामलाल के बेटे हो बच्चा? नहीं, हम रामलाल के बेटे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम इलाहाबाद से आ रहे हो ना बच्चा? हाँ, इलाहाबाद में रहते हैं, संगम पे पंडे हैं, पंडे। अच्छा, टाइम निकालो, आओ संगम पे आओ, आपको भी नलवाई बहन डुबो देंगे। हाँ आऊंगा। अच्छा अच्छा, खून पी रहे हो, खून। बेटी ये सब फुटपाथ कैसे गया?
कुछ नहीं, लफंगों के साथ दो दो हाथ हो गए। अच्छा अच्छा, जैसे आपके साथ हो रहे हैं। इलाहाबाद में रहते हो ना? हम मुंबई में रहते हैं, मुंबई में। ओ अच्छा अच्छा, मुंबई में क्या करते हो बेटा? मुंबई में हाँ। मुंबई में हम गवर्नर हैं। अच्छा अच्छा, मुंबई में गवर्नर हो, बहुत अच्छा बच्चा। गांव का नाम ऊंचा कर रहे हो हाँ बच्चा? हाँ, सोच तो यही रहे। हम आ गए सरोजा। ललन, ये सब क्या है? नहीं नहीं, वो तुम सब छोड़ो, वो सब ठीक है। और हम पूरे 2 लाख के साथ में आए हैं। और चलो तुम्हारे पिताजी से बात करते हैं, अब तुम्हारी शादी किशन से ही होगी। नहीं ललन, अब जो हो रहा है उसे होने दो। अरे? अब तुम किसी से कोई बात नहीं करोगे। जो हो रहा है वो होने दो। ये क्या क्या मतलब हुआ? जब हम टाइम पे आ गए हैं, पूरे इंतजाम के साथ आ गए, तो फिर ये ललन, ये ललन तुम्हारे आने में थोड़ी सी देर हो गई। क्या किसम की सगाई कहीं और हो गई है? सुने उसे बहुत दहेज मिल रहा है। ये तो हाँ, तो हम लक्ष्मी जी से बात करते हैं। तुम सरोजा को संभाल लो और उसको ढांढस बताओ। और कुछ नहीं, हम सब संभाल लेंगे। और हमने सरोजा को चाहा, हम सरोजा की जान दे देंगे। तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? हैं? अरे दहेज ले रहा हूं तो लड़की भी तो ला रहा हूं। अप्सरा है, अप्सरा। आसपास के गांव में चर्चे हैं उस लड़की के। उसका नाम सिर्फ चंदा नहीं है, चंद्रमा है, चंद्रमा। पिताजी वो बात नहीं है। क्या मैं कर रहा है बकरी की तरह? अरे उस लड़की के पीछे कितने लड़के दीवाने हैं पता है तुम्हें? हैं? वो बेनी प्रसाद का बेटा धतूरा खा के पागल हो गया इस लड़की के पीछे। अरे बेटा तू है कहाँ? हैं? चल 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 चल, सूट सिलाने जाते हैं। चलो 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 चलो, लंबा रखो लंबा रखो। हाँ ये बराबर है, करेक्ट। अरे ये कमर 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 कमर, 1 इंच बढ़ा के रखो। हाँ पिताजी। और कंधे जो हैं वो 1.5 इंच बढ़ा देना, 1.5 इंच। पिताजी। अरे क्या पिताजी पिताजी कर रहे हो तुम? हैं? तुम लिखो। पिताजी ढीला हो तो जाएगा। तू कौन सा कसा रहेगा जिंदगी भर? अपनी शादी का सूट तेरी शादी में पहनूंगा और तेरे बेटे की शादी में भी यही पहनूंगा। चाचा प्रणाम। हा? चाचा हम लल्लन। हाँ हाँ हाँ। चाचा आप किशन का ब्याह कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और आप इससे खुश हैं तो ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन हम एक बात बताएं आपको, ये गलत हो रहा है। एक तरफ अगर इसमें खुशी है तो दूसरी तरफ जिंदगी है चाचा, और इससे किसी का सब कुछ बिगड़ जाएगा चाचा। अच्छा तो ये भी चंदा के दीवाने हैं, तो ये लीला है। अच्छा तो किसका क्या उजड़ जाएगा? आपको समझना चाहिए चाचा। मुझे समझा रहे हो? मुझे समझा रहे हो? समझना मुझे नहीं तुम्हें चाहिए, समझे? प्रेम भावना के साथ साथ हैसियत और औकात भी होनी चाहिए। हैं? कौवे को मुंह मारने के लिए कचरे का ढेर पड़ा है और मोती चुपने के लिए हंस का जन्म लेना पड़ता है, समझे? मुझे एक बात बता, ये मेरा बेटा है, मैं जहाँ चाहूंगा ब्याहूंगा। तू होता कौन है मुझे जान देने वाला? तू होता है क्या मतलब है आपको? नाना बाजना सिखाया आपने मुझे, अब हम आपके कंधे तक पहुंच चुके हैं। हम आपसे कम से कम बात तो कर सकते हैं। आप चाचा हैं हमारे। अब ये कौन सी लीला है? लीला नहीं, सरोजा। सरोजा आपके घर में बहू बनकर आएगी, उसको अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए चाचा। उसके कदम आपके घर में पड़ेंगे, आपके घर लक्ष्मी की वर्षा होगी। सरोजा? कौन सरोजा? चाचा लक्ष्मी है सरोजा, भाग्य लक्ष्मी का स्वरूप है सरोजा। हम लल्लन आपसे कह रहे हैं, अगर झूठ निकले तो आप जूते मारिएगा। हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं चाचा कि आप सरोजा को अपना लीजिए। पहले ही तुमने हमारे लिए जितना किया है वो बहुत है। हमारी जिंदगी,
हमारी खुशी के लिए क्या नहीं किया तुमने, हमें दुख से उबारने के लिए तुम कहाँ, किस हाल से गुजरे हो वो तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है ललन। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन किशन ने हमारे लिए क्या किया? पिछले 13 दिनों से सुबह शाम रात की एक एक घड़ी को एक एक जिंदगी की तरह काटी है हमने। जिंदगी के इतने बड़े फैसले को निभाते हुए आंखें पथरा गई हमारी, लेकिन इस फैसले का असर किशन पर क्या देखा हमने? आज तुम्हारे हाथ जोड़ने के बाद अगर किशन के पिताजी मुझे स्वीकार कर भी लेते हैं और कल को जाके कोई ऐसी बात खड़ी हो जाती है जिसकी वजह से ये हमें घर से बाहर निकालना चाहते हैं, तो क्या किशन में इतनी हिम्मत है कि वो अपने पिताजी को रोक सके? ललन, प्रेम तो तुम्हारा है, हमारी जिंदगी, हमारी खुशी, हमारी सुरक्षा तुम्हारे साथ है। हम शादी करेंगे तो सिर्फ तुम ही से। पानी लाओ, जल्दी करो। ललन, ललन, ललन,